म्यांमार में एक जगह है जहां मुसलमानों ने हिंदू समाज की महिलाओं पर बेहिसाब अत्याचार करे, बच्चे बच्चों तक की भी गर्दन काट दी म्यांमार में, फिर उनको वहां से मार मार के जूत मार मार के भगाया। फिर चीन नहीं भागे, भारत आए, उन्हें पता है कि हिंदू उनको मारा और हिंदुओं के साथ रहेंगे क्योंकि वहां पे महाचूतियां भाईचारा निभाएंगे। आज वे यहाँ पे आ गए और वे जो म्यांमार में हिंदू उनको कत्लेआम कराया ना उन रोहिंग्या मुसलमानों ने, उनमें से कुछ हरामखोर गंदी नाले कीड़े भारत में भी होंगे। 1947 तक, आज 1947 से लेकर आज तक जिन्होंने भी हिंदू धर्म का अपमान करा है वे भारत में नहीं रहने चाहिए, और खासकर मुसलमान तो भारत से रहने नहीं चाहिए। उनका अधिकार कहते पूरी तरीके से छीन लिया जाए ईसाई और मुसलमानों का, उनका कोई अधिकार नहीं है भारत में। पर जबरदस्ती उनको अधिकार दिए गए हैं और वे क्या कर रहे हैं, अपने अधिकारों का गलत फायदा उठा रहे हैं और अपने ही हिंदू समाज को बदनाम कर रहे हैं। हिंदू समाज ने रहने को जगह दी, खाने को दिया, आज वे कुत्ते जब पल बढ़ गए बड़े हो गए तो हिंदू धर्म पर ही भोग रहे हैं। ये बॉलीवुड पूरी तरीके से भारत में हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने में सफल हो पाया है और कर रहा है अभी तक। हिंदू धर्म का खूब दबा के अपमान हो रहा है इस बॉलीवुड में। किसी भी तरीके की फिल्म उठा लो हिंदू धर्म को टारगेट करेंगे, हर किसी ना किसी विलनों का नाम हिंदू समाज पर होगा, देवी देवताओं के नाम पर होगा, गाली गलोच तुम्हें राम नाम का साम नाम का ये देते ही मिलेंगे तुम्हें। खुल के अपमान हो रहा, खुल के भारत की संस्कृति पर भाई यो हकीकत है। जिस देश की संस्कृति मिट गई वो देश ही मिट गए। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू एक कहाँ है वो, आज पाकिस्तान मुस्लिम देश के नाम से उसकी पहचान है, वहाँ हिंदू उनका देश हुआ करा। कंबोडिया आज बौद्ध देश है जबकि वहाँ पे प्राचीन प्राचीन मंदिर और भव्य भव्य राम विष्णु भगवान की मूर्ति बता रही है कि वहाँ पर पहले कौन सा समाज है। पर तुम कल भी बिखर रहे आज भी बिखर रहे हो और इतिहास से तुमने कुछ सीखा नहीं है, इतिहास तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए तुम साले दुश्मनों को भी भाई बता दो। अगर एक हिंदू अपना इतिहास पढ़ के उससे सीख के साले जूते मार के भगा रहा किसी को, तो तुम वो क्या करोगे, दूसरा सेकुलर हिंदू आएगा उसको अपने घर में जगह देगा और वो बकचोदी और झाड़ेगा। भारत में जो भी महिला 1947 तक आज तक 1947 से लेकर आज तक जो भी अन्य समाज में शादी कर पाई है, 8 साल में गोली मारो, उसकी सोपृत संपत्ति जब्त करो, नागरिकता खत्म करो और भगाओ देश से, पूरी तरीके से बैन कर दो भारत में। 1947 से लेकर आज तक जिनने हिंदू धर्म का अपमान करा डायरेक्ट गोली मारो, भगाओ देश से, सोपृत संपत्ति जब्त करो। ऐसी सरकार लाओ मजबूत जो खड़े होकर अपने हिंदू धर्म के साथ खड़ी रह सके। जो तुम्हारी सरकारी नौकरी का अधिकार खा रहे हैं ना आज ये सेकुलर ये अल्पसंख्यक बन के, ये साले पाकिस्तान का 1 लाख दिया, आज ये हिंदू धर्म की दिन दहाड़े गर्दन काट रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान होता रहो ठीक, अगर इनके ऊपर कुछ बोल दिया नुपुर शर्मा जैसी कुछ महिला कुछ सच बात भी बोल दे मैं तो गर्दन काटने को तैयार हो जा मैं, कोई गरीब हो तो उसकी काट ही दे मैं जैसे राजस्थान में कन्हैया लाल की काट दी गर्दन। और तुम बिखर रहे हो बस बिखरे रहो सिमटते रहो भाई, हाथ जोड़ के विनती है एक हो जाओ।